बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा। खबर सितारगंज से। बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। गुरुवार को ग्राम बिजटी, कौंधा रतन, कौंधा अशरफ, झुकहा, पटिया आदि गांव के किसान अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने बीते दिनों क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और लोगों का चारा भूसा पर भी मिट्टी चढ़ गई है, जिसकी वजह से मवेशियों को भी पालने में परेशानी हो रही है। उन्होंने किसानों को 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग करते हुए बिजटी मार्ग पर बनी बंद पुलियों को खोलने की भी मांग की है एवं ग्राम कनपुर मोड़ पर बड़ी पुलिया एवं उक्त रोड पर 4 नई पुलियों के बनाए जाने की भी मांग की है। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने वालों में हरजिंदर सिंह खालसा, बलविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, हरभजन सिंह, गुरजीत सिंह, जावेद, मंजीत सिंह, पूरन लाल आदि रहे। विगत दिनों पे भारी बारिश के कारण जो बाढ़ आई थी बिष्टी ग्राम में, उससे जो है किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें धान की फसल जो है पूरी तरह बह गई है, सड़कों का भारी कटाव हुआ है, जिसमें कि हमने 4 पुलियों की मांग भी की है। जो पुलियाँ पहले से बंद हैं उसको भी खोला जाए और जो है किसानों को हमने जो मांग की है 15,000 का प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, हमारी ये किसानों की मांग है। और इसके संबंध में आज हम उपजिलाधिकारी स्थानीय महोदय को ज्ञापन भी दिया है और हमने मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा किसानों को दिया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।